सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली रियलमी वालों ने अपने रियलमी 11 प्रो प्लस के अंदर रियलमी UI 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसके अलावा इसका अंतुतु स्कोर कितना देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, रियलमी 11 प्रो प्लस के अंदर Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 का अर्ली एक्सेस अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बग्स और फीचर्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे आपको रियलमी UI के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और रियलमी 11 प्रो प्लस का मॉडल नंबर RMX 3741 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं आपको 13.1.0.545 ब्रैकेट में EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है वो आपको 584.77 MB का देखने को मिलता है और ये अभी Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज की, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एंड्रॉइड 13 के अपडेट के साथ 5th नवंबर 2023 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि और भी बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको यहाँ पर और भी इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स एक्सपीरियंस, ओपनिंग क्लोजिंग, स्वैपिंग अप डाउन वगैरह जो है आपको काफी फास्ट और स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर किसी किसी यूजर को लैगिंग इशू वगैरह देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। बट यहाँ पर दोस्तों, जिन यूजर को पहले लैगिंग इशू देखने को मिल रहा था वो तो फिक्स हो गया है, लेकिन अभी भी किसी किसी यूजर को लैगिंग इशू का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों ब्लूटूथ हैंडसेट का। यहाँ पर दोस्तों, पहले आप कंट्रोल सेंटर से ब्लूटूथ हैंडसेट वगैरह यूज करते थे तो उसको आप स्विच नहीं कर पाते थे किसी दूसरे हैंडसेट से, तो उस फीचर्स को यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की नोटिफिकेशन पैनल में ही एड कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कोई से भी ब्लूटूथ हैंडसेट कनेक्ट किए रहते हैं तो यहाँ पर आपको छोटा सा स्विच करने का ऑप्शन देता है। पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं था, पहले आपको पूरे के पूरे अंदर में जाना पड़ता था तब जाके ही आप स्विच कर सकते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर ही स्विच करने का ऑप्शन दे दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे हैंडसेट का नेम वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, पहले ब्लूटूथ हैंडसेट का बैटरी का लेवल जो है अंदर में ही देखने को मिलता था, जिसको यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज लेवल जो है आपको ऊपर में ही कंट्रोल सेंटर में ही देखने को मिल जाएगा, तो इस फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, एप्स के अंदर, एप क्लोनर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों, पहले क्या होता था, आपको लिमिटेड एप्स जो है एप क्लोन करने का ऑप्शन देता था, की कुछ ही एप थे जिसको आप क्लोन एप के रूप में, दो एप के रूप में यूज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद आपको काफी सारे की जो आपके स्मार्टफोन में जितना भी एप्स है उसको आप क्लोन कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। पहले दोस्तों ये लिमिटेड रहता था, लेकिन अब आपको पूरे के पूरे एप्स को क्लोन करने का ऑप्शन ऐड कर दिया है।
साथ ही दोस्तों अगर आप किसी एप्स को क्लोन करते हैं तो जो उसका टैग रहता है क्लोन वाला उसको भी यहाँ पर थोड़ा कलरफुल कर दिया है। पहले दोस्तों व्हाइट में ही रहता था लेकिन अब देखेंगे आपको कलरफुल देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। नीचे की साइड आपको लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन देता है जिसमें आपको पहले 3 ऑप्शन ही देखने को मिलता था लेकिन अब ग्लेंस फॉर रियलमी को ऐड कर दिया है। जैसे ही इसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको ग्लेंस फॉर रियलमी को ऑन करना पड़ेगा तब जाके ये आपको लॉक स्क्रीन में शो होगा। नहीं तो दोस्तों आप लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में सेलेक्ट किए रहेंगे फिर भी वो लॉक स्क्रीन में शो नहीं होगा। आपको ग्लेंस फॉर रियलमी को ऑन करना ही पड़ेगा तब जाके ये लॉक स्क्रीन में शो होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में देखेंगे तो आपको डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि हाइड रहता है। दोस्तों अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं हाइड से शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल सेंटर में जाकर नोटिफिकेशन पैनल में जाकर डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन देता है उसको ऑन करके जितना भी ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसे आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपका जो डिवाइस कंट्रोल है वो शो हो चुका है। पहले ये हाइड रहता था लेकिन आप उसको ऑन करेंगे तो ये हाइड वाला जो है शो हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फिंगरप्रिंट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका फोन जो है लॉक रहता है तो उस टाइम पर जो फिंगरप्रिंट का आइकन है वो प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, साथ ही किसी किसी यूजर का थोड़ा लेट में शो होता था तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप फिंगरप्रिंट इनरोलमेंट करते हैं तो आपको काफी फास्ट इनरोलमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आपका फोन लॉक स्क्रीन में रहता है तो जो आइकन है वो प्रॉपर वे में शो होता है और साथ ही जो लेट में शो होता था वो भी यहाँ पर फास्ट हो चुका है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। अगर दोस्तों आपको मून मोड में फोटो वगैरह लेना रहता है तो उस टाइम पर स्क्रीन जो है फ्लैश हो जाता था, की प्रॉपर वे में मून मोड का फोटो वगैरह क्लिक नहीं हो पाता था, स्क्रीन फ्लैश इशू देखने को मिलता था तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आपको बेटर मून मोड में फोटो वगैरह लेने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप नाइट सीन मोड में फोटो वगैरह लेते थे तो उस टाइम पर फ्रेम में क्रॉपिंग इशू देखने को मिल रहा था, अब जैसे ही नाइट सीन में स्विच करते थे स्क्रीन जो है क्रॉप हो जाता था तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आप नाइट सीन मोड में फोटो वगैरह लेते हैं तो आपको प्रॉपर वे में फोटो क्लिक करने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो एप्लीकेशन के अंदर। अगर दोस्तों आप फोन एप्स वगैरह को यूज करते हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो उस टाइम पर जो कॉन्टेक्ट ऐप है वो काफी स्लो ओपन होता था, कि जो नॉर्मल कंडीशन से भी स्लो फोन बुक जो है ओपन होता था तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आपको बेटर फोन बुक या कॉन्टेक्ट ऐप वगैरह जो है यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों एल्बम के अंदर। अगर दोस्तों आप फोटो वगैरह क्लाउड में स्टोर करते हैं तो उस टाइम पर जो सिंक्रोनाइज प्रोसेस होता है क्लाउड में स्टोर होने के लिए वो यहाँ पर प्रॉपर वे में होता नहीं था, फेल हो जाता था तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आप फोटो वगैरह क्लाउड में स्टोर करते हैं तो जो सिंक्रोनाइज है वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होता है, आपको सिंक्रोनाइज करके इमेज जो है क्लाउड में प्रॉपर वे में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट के अंदर। अगर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट नॉर्मल लेते हैं तो कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ टाइम पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाता था ऑटोमेटिक तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है जिससे कि अब आपको बेटर स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कीजिए अगले चेंज की तो नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों जो नेटवर्क का कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, उसको यहाँ पर और भी बेटर ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है जिससे कि अब आपको बेटर नेटवर्क और स्टेबल नेटवर्क देखने को मिलता है। पहले जो अप डाउन होता था वो यहाँ पर स्टेबल देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों किसी किसी यूजर को 5G नेटवर्क शो नहीं होता था तो उसके लिए यहाँ पर ट्रबल शूटिंग प्रोसेस दिया है तो आप दोस्तों इस ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको 5G नेटवर्क देखने को मिल जाएगा।
उसके लिए आपको दोस्तों माई जियो ऐप इंस्टॉल करना है, अपने नंबर से रजिस्टर करना है, उसके बाद माई जियो ऐप में जाकर आप अपने ट्रू 5G नेटवर्क वाले फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही ट्रू 5G नेटवर्क रेडी करके कंग्रेचुलेशन वाला मैसेज शो होगा, आपको 5G नेटवर्क प्रॉपर वे में शो हो जाएगा। ये प्रोसेस दोस्तों मैंने कर लिया है तो मेरे को प्रॉपर वे में 5G नेटवर्क देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, बात की जाए Realme 11 Pro Plus के अंदर Realme UI 5.0 का अर्ली एक्सेस अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर Realme के ऑफिशियल रोडमैप के अनुसार Realme 11 Pro Plus को नवंबर 2023 में देखने को मिलेगा, कि इसी मंथ देखने को मिलेगा, जो कि हमें नवंबर के लास्ट वीक में Realme 11 Pro Plus को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 का अर्ली एक्सेस अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद बग्स की, तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों फ्रीजिंग इशू का। यहाँ पर कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ टाइम पर जो टच का रिस्पांस है वो प्रॉपर वे में होता नहीं था, कि कुछ कुछ सिचुएशन में फ्रीज हो जाता है, और ये प्रॉब्लम दोस्तों इस अपडेट के बाद ही देखने को मिल रहा है। अगर आप एप्स ओपनिंग क्लोजिंग करते हैं, स्वैपिंग अप डाउन करते हैं, तो कुछ कुछ सिचुएशन में कुछ कुछ टाइम पर फ्रीज हो जाता है, और ये प्रॉब्लम दोस्तों इस अपडेट के बाद ही देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके अंतुतु स्कोर की, तो यहाँ पर दोस्तों 545 के अपडेट से पहले इसका अंतुतु स्कोर मैंने प्रैक्टिकली टेस्ट किया था, जहाँ पर इसका स्कोर देखेंगे तो आपको 5,55,000 के आसपास देखने को मिलता है। साथ ही इसका सीपीयू जीपीयू मेमोरी यूएक्स का स्कोर भी आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों मैंने 545 वाला अपडेट किया, और उसके बाद दोस्तों मैंने अंतुतु स्कोर इसका फिर से प्रैक्टिकली टेस्ट किया, जहां पर इसका स्कोर देखेंगे तो आपको 5,26,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा डिक्रीज हो गया है दोस्तों। साथ ही इसका सीपीयू जीपीयू मेमोरी यूएक्स का स्कोर भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है, आपको काफी ज्यादा कम अंतुतु स्कोर देखने को मिल रहा है। मे बी इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर फ्रीजिंग इशू वगैरह, लैगिंग इशू वगैरह अभी भी देखने को मिल रहा है। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ कुछ थर्ड पार्टी एप्स वगैरह जो है काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। लेकिन दोस्तों किसी किसी यूजर का कहना है कि इस अपडेट के बाद भी बैटरी ड्रेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, मेरे को यहाँ पर काफी अच्छा बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेज देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है, बट दोस्तों चार्जिंग करने के टाइम पर यहाँ पर थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों गेम में लैगिंग इशू, जिटर इशू देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। साथ ही दोस्तों अगर आप टीममेट में गेम वगैरह खेलते थे तो जो बात वगैरह करते थे उसमें नॉइज देखने को मिलता था, तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप टीममेट में खेलते हैं और बात वगैरह करते हैं तो जो नॉइस का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको अभी भी लैगिंग इशू वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू ज्यादा देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए Realme के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है ऐड कर दिया है, आप वहां पर जाकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको काफी सारे Realme UI 4.0 एंड Realme UI 5.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप Realme UI 5.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करते हैं तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिलता है तो वो आपकी जवाबदारी होगी, तो इसके लिए आप केयरफुली अपने रिस्क में इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है,
और अगर मिला है तो कौन कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।